और अब रुख अगली खबर का कर लेते हैं बात पंजाब की सियासत की। पंजाब असेंबली के स्पेशल सेशन में आज कांग्रेस सरकार ने दो ऐसे प्रस्ताव पास किए जिन पर राज्य की विपक्षी पार्टियों से कोई टकराव था ही नहीं। पंजाब सरकार के निशाने पर सीधे सेंटर की बीजेपी सरकार थी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी असेंबली में बीजेपी, आरएसएस और जम्मू कश्मीर की बात करने लगे, मगर 14 विधायक निलंबित क्यों किए गए, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी सूरत बदलना चाहती है। मुद्दों की सियासत करती देखना चाहती है। नारे रिकॉर्ड ना कीते जान। सियासी जंग में केंद्र सरकार से टक्कर लेती देखना चाहती है। दौड़ में अकाली भी हैं और आम आदमी पार्टी भी। सुनो, आम आदमी पार्टी आ रहे, सुनो। इसलिए सरकार सदन में बिना एजेंडा घोषित किए आती है और हंगामा होना लाजमी है। करप्शन पूरी की थी। पंजाब सरकार ने गुरुवार को बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने वाला फैसला प्रस्ताव पास करके रद्द कर दिया। बीएसएफ के अधिकार में वृद्धि को पुलिस पर अविश्वास बढ़ाने वाला बताया। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव में खेती बाड़ी राज्य से जुड़ा विषय बताया गया। पंजाब सरकार का कहना है कि इस मामले में केंद्र सरकार दखल नहीं दे सकती। केंद्र सरकार से मांग की गई है कि केंद्रीय कृषि कानूनों को जल्द रद्द किया जाए। यूं तो इन मसलों पर अकाली दल और पंजाब कांग्रेस दोनों की एक राय, मगर इसके बावजूद अकाली दल ने सदन में हंगामा किया। उनकी शिकायत थी कि सरकार ने एजेंडा बताया ही नहीं। इस पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अकालियों पर जमकर बरसे। बीजेपी पंजाब के देश के बीच एंटर ही नहीं कर सकती। आरएसएस पंजाब से एंटर नहीं कर सकती। जे ए लोग उन्होंने साथ ना देंगे, जे लोग उन्होंने साथ ना देंगे तो पंजाब उस तो बाद सर ऐसा ना करो। सुनो हूं, सुनो, उस तो बाद ए लेके आए बीजेपी नू, आरएसएस नू, इन्होंने इन्होंने एंटर कराया पंजाब दे विच। कोई आरएसएस की गल पंजाब दे विच नहीं सी। आरएसएस पंजाब की दुश्मन जमात है, तुसी लेके आए उन्होंने। उस तो बाद सुनो स्पीकर साहब, मैं बेनती करना चाहता, आज जेड़ी यहां 50 किलोमीटर आई है, उदो इन्होंने जदो जम्मू कश्मीर दे नाल अन्याय होया, जम्मू कश्मीर दी धारा तोड़ के स्टेट नू खत्म करके जद आरएसएस ते बीजेपी ते अकाली दल दी सरकार ने इकट्ठे तौर ते राज दे अधिकार खोए, उदो अकाली दल किथे सी? उदो किथे सी सुखबीर बादल? सुखबीर बादल ने स्पीकर साहब सुखबीर बादल ने जद पार्लीमेंट दे विच सब कुछ हो रहा सी, जद पार्लीमेंट दे विच राज्यां दे अधिकार खो जा रहे सी, चंदू बाजरा साहब जिहड़ी तुसी गल करदे हो, या तां चंदू बाजरे दी सुखबीर उहदे मनदे नहीं, या फिर तुसी बैठ जाओ। एक बार तो सीन ऐसा भी बना जब पंजाब कांग्रेस के मुखिया नवजोत सिंह सिद्धू और अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया भी आमने सामने आ गए। विक्रम सिंह मजीठिया स्पीकर से कुछ कहना चाहते थे और सिद्धू उन्हें ना सिर्फ रोक रहे थे बल्कि ये भी पूछ रहे थे कि सर्वदलीय बैठक में सुखबीर बादल क्यों नहीं आए। बाद में सदन से बाहर आकर विक्रम सिंह मजीठिया ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के संवैधानिक अधिकार कुचल रही है, उसे पंजाब और पंजाब की जनता से जुड़े मुद्दे नहीं उठाने दिए जा रहे। मजीठिया ने यह भी आरोप लगाया कि 1984 के मुद्दे पर भी अकाली दल, गांधी परिवार और जगदीश टाइटलर जैसे कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सदन में प्रस्ताव लाना चाहता था, स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं दी। पिछली बारी भी जो मैं गल किसानी ते कही सी, सच्ची होगी ना, मैं इन्हां नूं कहा सी कि तुसी 2006 दा जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्राइवेट मंडी दा है उन्हूं रद्द करो, मेरे ऑन रिकॉर्डेड है।
2017 का रद्द करो, बिचों कोई कहता जी 2013 का भी रद्द करो, मैं क्या बिल्कुल करो, 2006 2013 2017 रद्द करो, नहीं तो सिचुएशन में लॉट चेंज। आज उत्थ ही आ गए जेड़ा काम असी श्रोमणी अकाली दल ने 20 अक्टूबर 2020 च किया सी, वो आज कर दिए फिर, मगर हले भी प्राप्ति जीरो होनी है क्योंकि गवर्नर साहब तक किसी मंजूरी नहीं दे रहे। सो ड्रामा ही होया ना, जुमला ही होया, धोखा ही होया, और कुछ नहीं। उस एजेंडे में ना फार्म की बात कहीं करी गई, ना इलेक्ट्रिसिटी समझौते की बात कहीं करी गई, ना और कई मुद्दे हैं पीपीए की बात करी। क्यों छुपवा के रखा गया? इसलिए कि इनको तैयारी करने का समय ना मिले, आज ले आके रख दिया है। और कम से कम 10 मुद्दे ऐसे जिसकी डिस्कशन होनी है। पहले तो विधानसभा में एक दो मुद्दों के साथ ज्यादा डिस्कशन ही नहीं हो सकती जब 117। सो मंशा बड़ी क्लियर है कि 80 मेंबरों के जोर में, बहुमत के जोर में अपनी बात करो और यहाँ से भागो, चोन प्रचार का जुमलेबाजी यहाँ से ग्राउंड तैयार करो। नवजोत सिंह सिद्धू ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अकालियों और आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब दिया। उनका कहना था कि विधानसभा की कार्यवाही भी अब संसद की तरह लाइव होनी चाहिए। हम लोग डिबेट हो सकती है, डिसेंट हो सकती है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन यार कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, लोगों की कितनी आस है। अब तो तुमने मांगा भाई, भगवंत ने कहा, यहां आम आदमी पार्टी वालों ने कहा, इन्होंने कहा कि सेशन बुलाओ, हमने बुला लिया यार। फिर अगर सेशन बुलाया है यार, तुझे किसानी से गल करो ना, इन्हें गलों ना कितना पंजाब का मसला कोई हल होता यार। मतलब एक दूजे ना तू तू मैं हाउस रोकता, ओ हो यार, लोग देख रहे हैं, मैंने तो चंगा लगता है लोग देख रहे हैं। मैं इसे करके कहना कि चार दिन जदों पईया ना ठोक के लोगों तो पंजाब दियां तो भी तुम करते की हो, पब्लिक मनी नू वेस्ट किदां करते हो, ते आपे बंदे दे पुत बन जाएंगे। लाइव होना चाहिए जे लोकसभा लाइव होंदी है। किसान कानून का मसला तो ऐसा है जिस पर पंजाब में कोई दो राय नहीं, मगर बीएसएफ के मसले पर पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ है। अमरिंदर ने ट्वीट किया, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी ना तो पंजाब के क्षेत्रीय अधिकार पर जबरन लादी जा रही है, ना ही राज्य की पुलिस को कानून और शांति व्यवस्था की स्थापना में कमजोर साबित करती है, जैसा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बता रहे हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है जिसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से जो लोग इस मसले को उठा रहे हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था में फर्क नहीं समझते। बीएसएफ भी पंजाब पुलिस की तरह हमारी अपनी ही फोर्स है, कोई बाहरी ताकत या विदेशी फौज हमारी जमीन पर कब्जा करने नहीं आ रही। मगर नवजोत सिंह सिद्धू राज्य और केंद्र के जुरिडक्शन से आगे इंटेंट पर सवाल खड़े करते हैं। जुरिस्टिक्शन नहीं है इन्हों रद्द करने की, थोड़ी जुरिस्टिक्शन नहीं। मैं उन्होंने कहा, मैं कहा जदों वाटर टर्मिनेशन होया सी, जदों वाटर टर्मिनेशन होया सी और असी पानी की बूंद बाहर नहीं सी जान दी, वो जुरिस्टिक्शन सी दसो। तो जो CAA आया, CAA NRC जरा सीगा, जदों वो आया तो आसाम खड़ा हो गया, दिल्ली खड़ा, सारे खड़े हो गए कि नहीं कर लेते असी, वो जुरिस्टिक्शन सी। सवाल जरूरत है, सवाल मोटिव का है, सवाल इंटेंट का है। अब ये समझने की जरूरत है कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में वो कौन सा बदलाव है जिस पर ये बवाल मचा है। दरअसल पहले अलग अलग राज्यों में सीमा के भीतर बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र अलग अलग था। बीएसएफ 12 राज्यों में देश की सरहद की निगरानी करती है, गुजरात में 80 किलोमीटर और राजस्थान में 50 किलोमीटर का दायरा था। पंजाब, बंगाल और असम में ये दायरा 15 किलोमीटर अंदर तक था। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के पूरे इलाके अधिकार में थे। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, बंगाल और असम में ये दायरा 50 किलोमीटर तय हो गया है। इस नए बदलाव पर सबसे अधिक हंगामा बंगाल और पंजाब में हो रहा है। पंजाब में इसकी असल वजह आने वाला चुनाव बताया जा रहा है। कांग्रेस हालांकि अंतर कलह से जूझ रही है, लेकिन उसे लग रहा है कि बीएसएफ जैसे मुद्दे उछालकर और केंद्र से लड़ाई मोल लेकर वो अकालियों और आम आदमी पार्टी पर लीड लेने में कामयाब हो जाएगी। करप्शन पूरी की थी। चल, चल, पीछे चल, पीछे चल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।